Today topic is work at height safety. Work at height is very important topic for the construction workers because most of the accident happen due to fall from height. My name is Abhay Kumar Singh. You are watching Abhay Singh Fearless World. First of all, we will look at falls in the construction. Maximum accident जो construction site पे होता है due to fall from height और इनमें से maximum accident इसलिए होता है क्योंकि floor का side open रहता है, वहाँ कोई protection नहीं है और ये जो height है 1.2 to 1.8 meter होता है जिसमें कोई loss time होता है और कभी कभी जान भी जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जानना होगा कि what is work at height। तो work at height means working on temporary or permanent structure that are greater than 1.8 meters above the ground or the floor level, that is called work at height. 1.8 meter means कह सकते हैं 6 feet, तो 6 feet से above work at height. This is the generally used standard in the construction. तो fall को रोकने के लिए we have to use concept fall protection और fall prevention. Protection हम रोक सकते हैं या तो कोई procedure बना के, कोई ऐसा procedure जिसमें अगर हम काम करते हैं तो गिरने का chance कम रहे, कोई equipment का use करके, कोई plan बना के, कोई work method put करके, और ये क्या हो सकते हैं, जैसे अगर इक्विपमेंट की बात करें तो गार्डरेल्स हो सकते हैं, होल कवर्स लगा सकते हैं जिससे कोई होल में ना गिरे, वार्निंग लाइन का यूज़ कर सकते हैं जिससे लोगों को पता चले, और लाइफ लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कोई गिरे नहीं, अपना बेल्ट एंकर करे, तो साथ में हार्नेसेस पहन के हम लोग फॉल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट आर द हैजार्ड्स व्हेन वर्किंग एट हाइट। तो वर्किंग एट ए सिग्निफिकेंट elevation above the ground or floor level can result in a person falling to the ground, और दूसरा क्या हो सकता है, dropping an object which could strike another worker, या तो कोई आदमी गिर सकता है या तो कोई सामान गिर सकता है जिससे किसी दूसरे को चोट लग जाए। तो आइए जानते हैं what are the causes of falling from the height। तो पहला कॉज होता है इंजीनियरिंग फैक्टर, यानी कि गार्डरेल नहीं है, गार्डरेल मिसिंग है, कोई हार्नेस नहीं पहना है सेफ्टी हार्नेस, या अनरिलायबल और अनस्टेबल स्काफोल्ड है, जो टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म बनाते हैं हम लोग वो अच्छा नहीं है, फ्लोर अच्छा नहीं है, लैडर अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो क्या होता है, फॉल होता है। ये एक फैक्टर है इंजीनियरिंग फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है प्रोसेस फैक्टर, यानी कि कोई हमारे मेथड स्टेटमेंट में या ऑपरेशन प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम है, इसके चलते कोई आदमी गिर सकता है। और थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि ड्यू टू फियर, चढ़ रहे हैं डर लग रहा है, कोऑर्डिनेशन इम्पेयरमेंट हो गया, दो आदमी हाइट पे काम कर रहे हैं उनका अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, केयरलेसनेस, मूव्स, अनसेफ बिहेवियर्स जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं, वेदर फैक्टर, ये सारा चीज़ होने के बाद भी अगर बहुत जोर से आंधी आए तो उसमें क्या होगा, आदमी गिर जाएगा, एक्सट्रीमली हॉट हो, एक्सट्रीमली कोल्ड हो, ज़्यादा कोल्ड होने से पकड़ नहीं बनेगा, ज़्यादा हॉट हो आदमी को चक्कर आ सकता है, रैन हो यानी कि पैर स्लिप कर सकता है, स्नो हो, फॉक्स हो, ऐसे कंडीशन भी एक तरह से कॉज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। जब हाइट पे काम करते हैं तो दो ऑप्शन है, एक फॉल प्रोटेक्शन, एक फॉल प्रिवेंशन। फॉल प्रिवेंशन क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो प्रिवेंट यानी कि रोकना, आपको गिरने से रोकेगा, और दूसरा है आपका फॉल प्रोटेक्शन, यानी कि जब गिरेंगे तो आपको सुरक्षा देगा, यानी कि पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम का यूज़ करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं फॉल प्रिवेंशन के बारे में, जो फॉल को रोकता है, गिरने नहीं देता, यानी कि लैडर्स अगर हम सही से प्रयोग कर रहे हैं तो हम ऊंचाई पर जब काम करने जाएंगे तो हमें गिरने नहीं देगा, रेलिंग्स जो हम लोग देते हैं सीढ़ी के साइड में, हैंड रेल्स जो हम सीढ़ी के किनारे देते हैं ताकि हम पकड़ के ऊपर चढ़ पाएं, एक्सेस प्लेटफॉर्म, गार्ड रेल्स जिसमें टॉप मिड रेल होते हैं, और होल कवर जो कोई होल हो या कोई वॉल ओपनिंग हो या फ्लोर का ओपनिंग हो उसके ऊपर हम रखते हैं ताकि कोई आदमी गिरे नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक फ्लोर ओपनिंग है और इसके चारों तरफ से हम लोग गार्ड्स लगा दिए, यानी कि टॉप रेल मिड रेल है इसमें, है ना, और इसमें हम लोगों ने टो बोर्ड का भी यूज़ किया है नीचे में ताकि कोई सामान भी उसके अंदर ना गिरे, जो कि साइज़ में 150 mm होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लेडर है और ये मंकी लेडर है, इसके ऊपर चढ़ेंगे तो हम लोग नहीं गिर पाएंगे। अब होता है फॉल प्रोटेक्शन, यानी कि हम गिरेंगे तो यह हमें बचाएगा, यानी कि इसमें क्या होता है कि सेफ्टी हार्नेस विथ डबल लैनयार्ड का यूज़ करते हैं हम लोग, सिंगल लैनयार्ड का यूज़ नहीं करना है, और रिट्रैक्टेबल लैनयार्ड, यानी कि जब हम गिरते हैं तो यह हमें क्या करता है,
वहीं पे डी एस्केलेट कर देता है, यानी कि शॉक लगने नहीं देगा और हमको वहीं पे रोक लेगा बहुत कम दूरी पे। और एक होता है रोप ग्रैब, जो कि रस्सी के सहारे चलेगा, जैसे ही आप गिरेंगे तो वो रस्सी को पकड़ लेगा। रिट्रैक्टेबल लैनयार्ड क्या होता है कि हम उसको खींचते हैं तो हमारे साथ आता है, और जब छोड़ देते हैं तो वो बाइंड हो जाता है, यानी कि रोल हो जाता है अंदर में, तो उसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल लैनयार्ड। और एक होता है सेफ्टी नेट, जब हम गिरते हैं तो ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, बचाता है, हम ज़्यादा नीचे न गिर के उस जाल में फंस जाते हैं, उस नेट में फंस जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल, और ये हमारा रोप ग्रैब है, और ये हमारा क्या है, सेफ्टी हार्नेस विद डबल लैंड यार्ड, और सेफ्टी नेट तो आप जानते ही हैं। अब हम लोग जब हाइट पे काम करने जाते हैं तो स्काफोल्डिंग का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। कई जगह पे लैडर पे काम करना संभव नहीं होता, हम लोग कम समय के लिए लैडर पे काम कर सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं कर सकते हैं। मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म का यूज़ वहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि उतने समय के लिए या लंबे समय तक नहीं यूज़ कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा हो सकता है लोगों को चढ़ने की उस पर, तो कई जगह पे ये संभव नहीं होता है। तो ऑल टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म आर टू बी इक्विप्ड विद द स्टैंडर्ड गार्डरेल सिस्टम, ए सॉलिड डेकिंग फ्री फ्रॉम द ओपनिंग। तो जो स्काफोल्डिंग है वो स्टैंडर्ड पे बने होने चाहिए, जो उसके स्टैंडर्ड हैं, और साथ में उसके जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उसमें कोई गैप नहीं रहना, क्योंकि गैप रहेगा तो कोई ना कोई सामान गिरेगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये स्काफोल्डिंग एक एग्जाम्पल है। स्काफोल्डिंग एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा सब्जेक्ट है, कई तरीके से बनता है, उसमें बहुत ही अलग अलग तरह के कंपोनेंट हैं। मैं उसको अलग वीडियो में एक शॉर्ट सेशन करके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा उसका, बट जो स्काफोल्डिंग स्पेशलिस्ट होते हैं उसके बारे में उनको ज़्यादा डीप नॉलेज होता है, इसके इंजीनियर्स होते हैं जो उसको डिजाइन करते हैं, तो काफ़ी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग अलग दिन भी चर्चा करेंगे। कभी कभी हम लोग स्काफोल्डिंग बनाते हैं और उसमें ऊपर गार्डल्स नहीं लगे रहते हैं, तो ऐसे में कोई आदमी चढ़ेगा तो वो क्या होगा, गिर सकता है। तो वो जब वो अगर वहाँ पे ऐसा चढ़ता है, सेफ्टी हार्नेस विद द डबल लैनयार्ड पहनना चाहिए, और उसको सही जगह पे एंकर करना चाहिए, और वो एंकर पॉइंट की जो कैपेसिटी है वो 2500 केजी है एज़ पर द ओशा। तो कहीं भी अगर हार्नेस लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटी लोड बियर करने की वो 2500 केजी होना चाहिए, और ये डेड लोड होता है, यानी कि आप उसमें कोई लोड लटका दें 2005 केजी तक का तो टूटना नहीं चाहिए, उसके बाद टूटे लेकिन उतना तक नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब हम गिरते हैं तो जर्क हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा आता है, लगभग 2 टन तक या 1.5 टन तक जा सकता है, यानी कि 1500 to 2000 केजी तक जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर में वो एंकर पॉइंट है जहाँ पे इसको बांधा गया है, तो उसकी कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए, ये देख रहे हैं एंकर पॉइंट है तो उसकी कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए। जो भी टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म या जिसको हम स्काफोल्डिंग बोलते हैं वो सेफ एक्सेस और इग्रेस होना चाहिए, यानी कि एक सीढ़ी हो जिससे हम चढ़ पाएँ और उतर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे यहाँ पे लैडर लगा हुआ दिख रहा है, तो कहीं भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे ये होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि होल हम जब काम करते हैं बिल्डिंग वगैरह में, तो आप देखेंगे कि वॉल फ्लोर ओपनिंग कई जगह पे देखने को मिलेगा, या कई जगह पे होल देखने को मिलेगा, ऐसे जगहों पे लोग गिर सकते हैं, या कई बार अभी वहाँ रेलिंग बना नहीं है तो ऐसे ही अनप्रोटेक्टेड रहता है, तो ऐसे चीज़ों को जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इसमें कोई गिर सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, स्टील प्लेंट और वुडन प्लैंक्स यूज़ करना होता है, जिसके पास सफिशेंट स्ट्रेंथ हो वो सपोर्ट कर पाए अगर उस पर कोई आदमी चढ़ता है तो इस तरह का होना चाहिए। अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो हमको ये ऐसा होना चाहिए कि इसको कोई आसानी से वहाँ से उठा ना सके, हटा ना सके उस होल के पास से। और जब ये लगा रहे हैं तो वहाँ पे एक ट्रिप हजार्ड साइन बोर्ड भी वहाँ पे लगाना है, क्योंकि जब आप कोई प्लेट रखते हैं तो उसमें किसी का पैर फंस के गिरने का भी चांस रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब गार्डरेल सिस्टम हम लगाते हैं किनारे पे ताकि कोई आदमी गिर न सके, एज ए फॉल प्रिवेंशन सिस्टम। तो ये गार्डरेल सिस्टम जो है, टॉप रेल जो है 1.1 मीटर होता है, कई जगह पर इसको 1050 mm भी यूज़ करते हैं, कई जगह 1 मीटर भी यूज़ करते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड है ओसा का। तो 1.1 मीटर होना है अबव द वर्किंग और वॉकिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जिस पे हम खड़े हैं, और उसके ठीक नीचे बीच में जिसको हम लोग मिड रेल बोलते हैं, वो टॉप रेल एंड वर्किंग लेवल के बीच में लगाना है। यानी कि अगर बीच करें तो वो कितना हो जाता है, वो 525 या 550 तक यूज़ कर सकते,
और जो टॉप रेल है, कई बार हम लोग गार्ड रेल लगाते हैं लेकिन वो उतना मजबूत नहीं रहता है, वो टूट सकता है, कोई आदमी पकड़े तो उस पर लोड दे तो गिर सकता है। तो जब हम उसके ऊपर लोड देते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितना होना चाहिए वियर करने का, तो चाहे साइड से लोड लगाएं या चाहे उसके ऊपर टॉप से लोड लगाएं, वो 91 kg जो है वो लोड बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए एज़ पर द ओसा। कभी कभी हम लोग वायर रोप का भी यूज़ करते हैं, वायर रोप फ्लेक्सिबल होता है, वो पाइप के जितना इतना मजबूत नहीं रहता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें जगह जगह पे फ्लैग लगाने हैं जो कि हाई विजिबिलिटी मटेरियल के बने हों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे टॉप रेल मिड रेल लगा हुआ है। अब अगर हम हाइट पे जैसे ही काम करने की बात सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है लेडर। चलो यार लेडर लेके आते हैं, यूज़ करते हैं। लेडर बहुत ही आसानी से मिल जाता है साइटों और लोग ला के तुरंत काम करते हैं, लेकिन लेडर को अगर सही से यूज़ नहीं किया ना तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क भी क्रिएट करता है। तो लेडर में हम लोगों को क्या सेफ्टी लेना है, तो जो टेम्प्रोरी लेडर शैल बी एक्सटेंडेड एट लीस्ट 1 मीटर और 3 रग्स एबव द लैंडिंग प्लेटफॉर्म एंड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड। 1 मीटर तो ऊपर निकाल के रखना है, अगर 1 मीटर याद नहीं हो रहा है चलो तो 3 रग्स जो है ऊपर कर लो तो 1 मीटर हो जाता है। और लेडर एक्सटेंडिंग एबव 3.7 मीटर मस्ट बी इक्विप्ड विद द रिट्रैक्टेबल लाइफ लाइन। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि लेडर है लेकिन लेडर पे भी हम क्या है गिर सकते हैं ना, तो अगर लेडर की हाइट 3.7 मीटर से ज़्यादा बढ़ रहा है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेडर, तो ऐसे में हम लोगों को वहाँ पे रिट्रैक्टेबल लाइफ लाइन का भी यूज़ करना है ताकि अगर हम गिरते हैं तो ये हमें रोक ले, या हम लोग रोप ग्रैब का भी यूज़ करते हैं ताकि लेडर में बांध देते हैं लाइफ लाइन और रोप ग्रैब उसमें यूज़ करते हैं कि अगर हम गिरते हैं तो हमें रोक लेता है। और जो भी पर्सन लेडर को यूज़ कर रहा है, जो कि जिसकी हाइट 3.7 मीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे को रिट्रैक्टेबल जो लाइफ लाइन में हार्नेस को एंकर करना है ताकि गिरने पे वो बचा सके। कई बार लेडर लगाते हैं तो अगर पहली बार लेडर लगा रहे हैं तो किसी को बोलिए नीचे पकड़ने के लिए, लेकिन बार बार कोई पकड़ के तो रहेगा नहीं आप जब चढ़ेंगे, तो आपको लेडर को ऊपर बांध देना है टॉप में और तब लेडर का यूज़ करना है। फर्स्ट टाइम तो आप जाएंगे तभी बांध देंगे, तो फर्स्ट टाइम पकड़ने की बोलिए और सेकेंड टाइम जो है बोलिए कि ऊपर बांध दे। इसमें 75 डिग्री एंगल भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक स्टेबल एंगल है, अगर कोई चढ़ता है तो लेडर में एकदम बराबर भार आएगा और वो बैलेंस रहेगा। अगर 75 डिग्री यहाँ पे एंगल मेंटेन करना है तो हमारे पास, हम तो बार बार एंगल नाप नहीं सकते हैं, तो जितनी हाइट रहेगी उस प्लेटफॉर्म की उसके फोर्थ जो है दूरी पे हमको लेडर को लगाना है, यानी कि 12 फीट हाइट है तो 12 का फोर्थ 3 हुआ, तो 3 फीट हाइट उससे दूर पे हम लोग लेडर लगाए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 3 फीट एक्सटेंडेड है और यहाँ पे ये बंधा हुआ है। अब पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम यानी कि PFAS, ये क्या करता है, फॉल को प्रोटेक्ट करता है, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फुल बॉडी हार्नेस विद द 2 लैनियर्ड, ये यूज होता है। उसमें शॉक एब्जर्वर भी यूज़ करना मैंडेटरी है। तो जहाँ भी 1.8 मीटर से अबव प्लेटफॉर्म से या ग्राउंड से या जहाँ भी 1.8 से गिरने का चांस है, अगर वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और किसी तरह का वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है एज का, किनारे का, तो वहाँ पे हम लोग को लैनयार्ड का यूज़ करना होता है कंपलसरी। और जब लैनयार्ड का यूज़ करते हैं तो कंधे के ऊपर हम लोग एंकर करते हैं, और जो एंकर पॉइंट है उसकी भी मजबूती कितनी होनी चाहिए, 2500 kg, 2500 kg, और जो उसका लैनयार्ड है वो मस्ट सिक्योर होना चाहिए टू द सुटेबल एंकर पॉइंट दैट इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग एन इम्पैक्ट लोड ऑफ 2500 kg। और यूज़ करने से पहले हमको क्या करना है, मेक श्योर दैट फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज़ इन गुड ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी कि उसके स्टिचिंग ठीक है, बकल अच्छे से काम कर रहे हैं, डी रिंग टूटा तो नहीं है, लैनयार्ड कटा तो नहीं है, कहीं जला तो नहीं है, केमिकल बर्न तो नहीं है, या उसका वैलिडिटी ख़त्म तो नहीं हो गया। आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट उसके ऊपर लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरर ये भी लिखता है कि ये बेस्ट बिफोर 5 ईयर्स, तो अगर ऐसा लिखा है तो 5 साल अगर बीत गया है तो कोई जो फुल बॉडी हार्नेस है वो रखे रखे भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आफ्टर एक्सपायरी डेट हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह से एंकर किया गया है कंधे से ऊपर, और ये जो लाइफ लाइन है इसकी कैपेसिटी इम्पैक्ट लोड सहने की 2500 kg है और डबल लैनयार्ड है। अब आइए देखते हैं रिट्रैक्टेबल लैनयार्ड रोप ग्रैब। रिट्रैक्टेबल लैनयार्ड क्या होता है कि इसमें एक लैनयार्ड रहेगा, जब आप खींचेंगे तो आपके साथ आएगा, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये क्या होगा,
अपने आप इसको वापस ले लेगा। रोप ग्रैब ऐसा नहीं होता है, रोप कंटिन्यू रहेगा और इसके ऊपर जो फॉल अरेस्टर है वो कंटिन्यू मूव करेगा और जैसे ही आप गिरते हैं तो रोप को ये ग्रैब कर लेते हैं, तो इसको रोप ग्रैब बोलते हैं। ये दोनों क्या है, डीएस्केलेशन डिवाइस है, यानी कि आदमी जब गिरता है तो उसके जो गिरता है तो उसको वो डीएस्केलेट कर देता है, यानी कि उसको रोक लेता है गिरने से। कुछ दूरी तक गिरता है, एक दो फीट तक, उसके बाद उसको रोक लेता है। एनी मैकेनिज्म सच एज रोप ग्रैब, रिब स्टिच लैनयार्ड, स्पेशली ओवन लैनयार्ड, टीयरिंग और डिफॉर्मिंग लैनयार्ड, ऑटोमेटिकली और सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन लैनयार्ड, विच सर्व टू डिसिपेट ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए फॉल अरेस्ट और अदरवाइज लिमिट द एनर्जी इम्पोज ऑन एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द फॉल अरेस्ट। अब देखिए रिट्रैक्टेबल लैनयार्ड रोप ग्रैब के यहाँ पूरा पिक्चर दिया हुआ है अच्छे से। ये सेफ्टी हार्नेस है और यहाँ पे ये रोप है और इस पे रोप ग्रैब लगा हुआ है, इसको डी क्लिप लगाया गया है यहाँ पे, और लैनयार्ड विद द शॉक एब्जॉर्बर है, इसको लाइफ लाइन बोलते हैं। तो ये आपके साथ मूव होता है, जैसे ही आप गिरते हैं तो आपको रोक ले। ये है रिट्रैक्टेबल लैनयार्ड, ये पूरा इसमें ड्रम टाइप का है, जैसे ही आप खींचते हैं तो आपके साथ नीचे निकलता है, जैसे ही आप छोड़ते हैं तो फिर ये वापस चला जाता है अंदर में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी इस इनको नीचे करने के लिए ऊपर करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। अब एक बात है लाइफ लाइन, लाइफ लाइन हम लोग आज के पहले अक्सर यूज़ किए हैं कई बार, तो लाइफ लाइन होता क्या है? तो लाइफ लाइन जो है, लाइफ लाइन शैल बी सिक्योर्ड अबव द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन टू द एंकरेज और स्ट्रक्चरल मेंबर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग ए मिनिमम डेड वेट ऑफ 2500 kg। कई बार हमको एंकर पॉइंट नहीं मिलता है, दो कॉलम के बीच काम कर रहे हैं बीम के ऊपर, तो हमको एंकर पॉइंट नहीं, तो हम लोग क्या है एक मजबूत रस्सी बांधते हैं और उसकी मजबूती 2500 kg डेड वेट बियर करने की होनी चाहिए। यानी कोई आदमी अगर लटकता है उसके वजन अगर 2500 kg तब तक वो नहीं टूटना है, उसके अबव टूट सकता है, यानी कि उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 2500 kg होना चाहिए। और लाइफ लाइन जो है किसी पर्सन्स की जान बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, और कभी भी लाइफ लाइन पे कोई एक बार गिरा या उस पर किसी तरह का शॉक लोड आया जिसके चलते उसमें कोई चेंज हुआ तो उसको फिर दोबारा यूज़ नहीं करना है जब तक कि वो एक बार चेक नहीं किया जाता है। नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन एक बार कोई गिरा या कोई लटका उस पर जिससे उस पर शॉक लोड आया तो उसको इमिडिएटली रिमूव कर देना चाहिए और अगेन चेक करके कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा देन वी कैन यूज़। जैसे आप देख रहे हैं अब यहाँ पे कोई लाइफ लाइन, यहाँ पे कोई एंकर पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास बीम में चलने के लिए कि लाइफ लाइन को हम बांधें और हम लोग एंकर करें। कई बार लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर लाइफ लाइन कैसा होगा, तो वायर रोप भी हो सकता है और मनीला रोप, इस तरह का रोप भी यूज कर सकते हैं, बट उसका स्ट्रेंथ मैटर करता है, 2500 kg वो हमको ज़्यादा मैटर करता है, मटेरियल कम मैटर करता है। स्कैफोल्डिंग हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे एलिवेटेड लोकेशन पे काम करना हो, ऊंचाई पे काम करना हो और उसका कुछ सिचुएशन है, जैसे जहाँ पे कोई परमानेंट एक्सेस नहीं है तो वहाँ पे हम लोग स्कैफोल्डिंग बना के काम करते हैं। उसके बाद जहाँ पे पोर्टेबल लेडर पे काम करना संभव नहीं है, यानी पोर्टेबल लेडर पे हम लोग कुछ समय काम कर सकते हैं, लंबे समय थोड़ी काम कर सकते हैं। और उसके बाद जहाँ मैकेनिकल लिफ्ट, तो ऐसे कोई भी चीज़ से काम करना वहाँ संभव ना हो, और जहाँ वर्क बास्केट से भी काम करना, यानी कि मेन बास्केट से भी काम करना संभव ना हो, ऐसी जगह पे हम लोग स्कैफोल्डिंग का यूज़ करते हैं। और वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कि स्कैफोल्डिंग ही है जो कि सेफर तरीके से काम करवा सकता है वहाँ पे, यानी कि व्हेन द जॉब इज सच दैट इट इज़ सेफर टू डू इट फ्रॉम द स्कैफोल्डिंग, तो वहाँ पे हम लोग स्कैफोल्डिंग का यूज़ करते हैं। अब कुछ ऐसा सिचुएशन है जब किसी आदमी को हाइट पे काम नहीं करना चाहिए, यानी कि पर्सन शैल नॉट वर्क एट हाइट, वो सिचुएशन है वेन फीलिंग फटीग और डिजीनेस, जब थकान हो, चक्कर आ रहा हो, ऐसे सिचुएशन में काम को नहीं करना है। और इफ़ फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज डिफेक्टिव और डैमेज्ड, यानी कि जो हम फुल बॉडी हार्नेस का यूज़ कर रहे हैं वो कटा है, डिफेक्टिव है, तो फिर नहीं करना चाहिए। और ड्यूरिंग द हाई विंड स्पीड लाइक 32 km/s से ज़्यादा अगर विंड स्पीड है तो हम काम करेंगे तो अपने आप को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, हवा का इतना दबाव रहेगा कि हम गिर सकते हैं, तो ऐसे समय पे हाइट होने के चलते बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर आता है, तो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए ऐसा सिचुएशन। और उसके बाद जो है इफ़ स्कैफोल्ड आर कवर्ड विथ आइस और स्नो, कई कंट्रियों में बारिश के समय में आइस स्नो ऐसा तो पैर फिसल सकता है, और अगर रेन हो रहा हो, बारिश हो रहा हो, तो पैर स्लिप होने का चांस रहता है वहाँ से, तो ऐसे समय को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। व्हेन विजिबिलिटी इज़ पुअर
लाइक फॉग वगैरह जब रहता है तो दिखता नहीं है, तो ऐसे में भी हाइट में काम नहीं करना चाहिए। और व्हेन वर्किंग एट हाइट, जब आप हाइट पे काम कर रहे हो तो आप लोगों को ध्यान देना है सबसे पहले कि यहाँ पे क्या खतरे हैं, अंडरस्टैंड द पोटेंशियल हजार्ड ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद रिव्यू हाउ यू विल रेज और लोअर एनी टूल, और ये आपको रिव्यू करना है कि अगर आप ऊपर में काम करने जा रहे हैं आपके टूल्स और इक्विपमेंट कैसे ऊपर जाएंगे, क्या तरीका है, रस्सी से खींचेंगे या कोई क्रेन से करेंगे, तो ये ध्यान देना है। साथ में इंश्योर रिक्वायर्ड पीपीई इज इन गुड कंडीशन एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रॉपरली यूज इट, यानी कि जो भी हार्नेस है, जो भी पीपी हमको मिला है पहनने के लिए वाइल वर्किंग एट हाइट, लाइक रोप ग्रैब फालेस्टर हो या अपना रिट्रैक्टेबल फालेस्टर हो, तो ये सारे अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। और उसके साथ जो है ऑलवेज यूज 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेथड, यानी कि जब हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हों तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होना है, हमेशा 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना होना चाहिए, क्योंकि अगर बना नहीं रहेगा तो हमेशा चांस रहेगा कि हम गिर जाएं। टूल्स वगैरह लेकर चढ़ेंगे तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। और उसके बाद वॉच आउट फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स, दूसरे का भी सेफ्टी का हमें ध्यान देना है। तो ये था जब आप व्हेन वर्किंग एट हाइट। अब आपको याद रखने हैं, इफ़ यू आर कनेक्टेड यू आर प्रोटेक्टेड।